नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे YouTube चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम मैं फेस के साथ आया हूं और थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, जिला हजारीबाग से, और मुंबई में 89 से हूं मैं, 1989 से। 10 साल मैंने TV रिपेयरिंग का वर्क किया, उसके बाद फिर मैं ऑडियो लाइन में आया 99 में, और 2002 से मैं स्पीकर के लाइन में हूँ। 2002 से प्रोफेशनली स्पीकर के लाइन में हूँ मैं। तो अभी तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो प्रोफेशनली जो भी मैंने सीखा है या जो मेरा अनुभव है, वही शेयर किया हूँ। दोस्तों, स्पीकर लाइन्स में जब मुझे कहीं मैं फंसता था तो मैं YouTube में जाता था, तो YouTube में मुझे कोई ढंग का वीडियो दिखा नहीं, ना ही कॉइल का, ना ही स्पीकर असेंबलिंग का, और ना ही स्पीकर रिपेयरिंग रिकॉर्डिंग का। तो मुझे फील हुआ कि जो मेरा अनुभव है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, लगभग 23 साल हो गया मुझे स्पीकर लाइन में। तो कभी भी जब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तो आपको तो पता है, जल्दी कोई बताता नहीं है इसमें। आपको खुद ही, या तो आपका कोई गुरु होना चाहिए, बट इस फील्ड में मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं अनुभव से ही सीखा हूँ। और गुरु नहीं होने के पीछे कारण यह है कि जब मैं मुंबई में नया नया आया था, तो मेरे पहचान का कोई था नहीं, और बगैर गारंटी के मुंबई में कोई किसी को रखता नहीं है। तो चूंकि मैं ITI किए हुए था हजारीबाग से ही, तो ट्राई किया। पहले TV लाइन में आया, 10 साल TV रिपेयरिंग किया, उसके बाद फिर ऑडियो लाइन में आया, कार्टिप लाइन में आया, PCB बनाना स्टार्ट किया अनुभव के आधार पर। फिर स्पीकर्स में रेडीमेड लेता था, फिर 2002 से मैं स्पीकर्स असेंबल स्टार्ट किया, अपना खुद का सिस्टम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद लगभग 2003-04 से मैं प्रोफेशनल स्पीकर लाइन में आया, अभी तक हूँ। कॉइल बनाने का आइडिया भी मुझे खुद से ही आया, मैं खुद से ही दूसरों का कॉइल देख करके आइडिया लगा करके फिर मैंने कॉइल बनाना सीखा। लगभग पिछले 22-25 साल से बना रहा हूँ। और जब मैं कहीं फंसता था, किसी से पूछता था, नहीं बतलाते थे, तो लगता था कि YouTube में जाना चाहिए, शायद वहाँ कोई बताए, बट वहाँ पे भी कंप्लीट वीडियो नहीं मिला। कॉइल का तो मुझे वीडियो मिला ही नहीं, और स्पीकर रिकॉर्डिंग का भी कंप्लीट वीडियो नहीं मिला। लोग आधे अधूरे बता करके निकल जाते थे, समझ सकता हूँ उनका डर भी। कंप्लीट बता देने के बाद लगता है कि कस्टमर खुद से बनाने लगेगा, तो फिर मेरा धंधा कम हो जाएगा। बट दोस्तों, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जानकारी आप कितना भी छिपा करके रख ले, बाहर आना होता है, किसी को लेट आता है, किसी को जल्दी आता है, जानकारी तो आती है। तो अगर आप अपना ज्ञान अगर बांटते नहीं हैं, तो आप स्वार्थी हैं। तो फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं एक YouTube चैनल बनाता हूँ, अपना 24 सालों का जो अनुभव है आपके साथ शेयर करता हूँ, और 100% शेयर करना है मुझे। मैं यहाँ पर कुछ छिपाऊँगा नहीं, और अभी तक आप ये अनुभव भी कर सकते हैं कि जो मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने कुछ छिपाया नहीं है, और संपूर्ण वीडियो डाला है, ताकि जो भी देखे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या बार बार देख करके उसको समझ में आ जाएगा और वो बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद तो नहीं था इतना जल्दी चैनल ग्रो कर जाएगा, मैं भी सोचा था धीरे धीरे होगा, बट आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो सहयोग है, चैनल आज लगभग 9000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लगभग चैनल को 8 महीना हुआ है। तो दोस्तों, आज मुझे लगा कि आपके साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करनी चाहिए। आज हम लाइनर स्पीकर बनाने वाले हैं, ये लाइनर स्पीकर 18 साउंड का है, और ये नियोडियम्स में है। नियोडियम्स में दोस्तों, एक तो सेंटर मैग्नेट होता है, थोड़ा मैं नियोडियम्स के विषय में बताऊंगा। नियोडियम्स में एक सेंटर मैग्नेट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नियोडियम्स का मैग्नेट होता है, और बाहर से एक शेल होता है जो मेटल का होता है। तो सेंटर में मैग्नेट नियोडियम का फिट कर देते हैं, और बाहर में उसका जो है नेगेटिव या फील्ड जो बाहर आता है, पॉजिटिव फील्ड उसका अंदर रह जाता है। बट ये दूसरे टाइप का नियोडियम्स है, इसमें जो है ये वन पीस में बना हुआ किट है। दोस्तों, वन पीस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक किट है, इस किट में ये नीचे का तल है और ये पोल है। तो जो टू पीस होता है, उसमें आप गौर से देखेंगे तो इस जगह पे आपको होल करके और ये वाला पीस पंच किया रहता है, और ये किट बना दिया जाता है, और ऊपर बीच में मैग्नेट लगता है, और ऊपर में जो है सो रिंग लगता है। बट वन पीस में ये पूरा एक ही लोहा होता है, या तो इसको गला करके बनाते हैं डाई में, तो ये पूरा वन पीस बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, या नहीं तो फिर इतना मोटा एक किट लेते हैं लोहे का रोल, और इतना फिर उसको लेथ में जा करके कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है। तो इस जगह से जब मैग्नेट जो हम लगाते हैं, तो जो इनर का मैग्नेट पोल होता है, वो मैग्नेटिक इस पे बनता है। तो यहाँ से जो मैग्नेट होता है, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है।
तो हमारा पावर कम हो जाता है। बट वन पीस में वो ब्रेक नहीं होता है, तो जो सेंटर का पावर है वो बराबर यहाँ से लेकर के सेंटर तक वो बराबर विदाउट ब्रेक देता है। क्योंकि जब इसके ऊपर हम रिंग लगाते हैं तो रिंग का जो है मैग्नेट के ऊपर डायरेक्ट चिपका रहता है, तो रिंग का पावर पूरा उस पर रहता है क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं होता। बट जो नीचे का मैग्नेट का जो होता है पोल, वो जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है इस जगह पर, तो उस पर एक्चुअल में वाटेज कम हो जाता है या उसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन वन पीस जो मैग्नेट होता है, किट होता है, वो ये वन पीस डाई में बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता, यहाँ पे ये पोल से लेकर के यहाँ तक लास्ट किट तक सेम पीस होता है। तो ये वन पीस का किट है अंदर, और साइड में छोटे 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 नियोडिम्स के मैग्नेट लगे हुए हैं। ये मैग्नेट बहुत पावरफुल होते हैं, और लगभग एक मैग्नेट का मैं रेट निकाला था 500 से 600 रुपए के बीच एक मैग्नेट पड़ता है। तो सोचिए इसमें 12 मैग्नेट लगे हुए हैं, तो स्पीकर ऑटोमेटिकली इसके लिए ये महंगा हो जाता है। ये लाइनर स्पीकर है, और इसमें ये जो है सो 2.5 इंच का पोल है, इसका हम 16 ओम्स का स्पीकर है, तो इसका हम 2.5 इंच के पोल का 16 ओम्स का जो है हम कॉइल अभी ही जस्ट 2-3 दिन पहले डाले हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग का वीडियो आज हम बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्पीकर बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा इस स्पीकर्स का हम पहले डिटेल्स आपको बता दें। ये 18 साउंड का स्पीकर है, 10 इंच का स्पीकर है, इसका मॉडल नंबर है 10NMB420। ये न्यू मैग्नेट स्पीकर है और 10 इंच मिड बास स्पीकर है। ये लाइनरी में यूज होता है, टू वे में भी यूज होता है, आप मल्टी वे में भी इसको रिफ्लेक्स ट्रांसपोजर में यूज कर सकते हैं। इसका मिनिमम वाटेज 350 वाट है और ये मैक्सिमम 600 वाट तक देता है, बट ये मिड बास प्रॉपर देता है, इसका थ्रो काफ़ी अच्छा होता है। और आजकल जो लाइनरी स्पीकर यूज हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम यही स्पीकर यूज हो रहा है, क्योंकि ये लाइट वेट है और काफ़ी पावरफुल स्पीकर है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हम स्पीकर को जो है सो साफ़ कर लिए, और इसको सबसे पहले हम पोल साफ़ करते हैं। तो इसके लिए एनसी थीनर एक प्लस पीवीसी में साफ़ कपड़े में एनसी थीनर डाल करके पोल को हम पूरा गोल गोल घुमा करके साफ़ कर दे रहे हैं। दोस्तों कभी भी स्पीकर बनाने से पहले पोल साफ़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें जला हुआ स्पीकर का भाग लगा होता है। और ये देखिए हम स्पाइडर और रिंग पेपर का जहाँ लगेगा उसको भी हम साफ़ कर चुके हैं। तो चलिए ये इस कॉइल का वीडियो हम अभी डाल चुके हैं, जस्ट लास्ट वीडियो मेरा इसी कॉइल का वीडियो है। ये 16 ओम्स का कॉइल है, 2.5 इंच का कॉइल है, 65 mm का कॉइल है। इसमें हम 7 नंबर का 2 सीट अंदर डाल करके और पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 सीट हमने अंदर डाला है, और जहाँ पर हमारा स्पीकर का कनेक्टर है उसके सामने कॉइल का वायर डाल करके निकाल करके हमने इसको सेट कर दिया है। आप इसका कॉइल का सेटिंग देख सकते हैं, 3 से 5 टर्न ही हमने बाहर रखा है, क्योंकि ये प्रॉपर मिड थ्रो देता है, तो इसके लिए हमें इसमें कॉइल को बाहर ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम कॉइल को अपना पोल के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर जो है सो हम स्पाइडर लगाएंगे। तो स्पाइडर लगाने के लिए हम 5 मिनट में सूखने वाला बोन टाइट यूज़ कर रहे हैं, उसको हम देखिए बना लिए हैं। बोन टाइट ब्लैक कलर कैसे करना है इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये बोन टाइट हम फटाफट कॉइल के ऊपर लगा दे रहे हैं। कॉइल में हम VCC सिस्टम पहले ही बना चुके हैं, क्योंकि VCC सिस्टम जो होता है वॉइस कॉइल कूलिंग सिस्टम, उससे कॉइल का लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है, कॉइल का लाइफ इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए हम बोन टाइट कॉइल के चारों साइड अपर फेस में लगा दिए हैं, जहाँ पर हमारा स्पाइडर बैठेगा। और ये हम जुपिटर कोन का स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं। जुपिटर इंडिया में अवेलेबल सिंपल में अच्छा स्पाइडर होता है, उसको हम कॉइल के ऊपर रख करके एक सुई की सहायता से उसको हम सेट कर दिए, और गोल गोल घुमा करके हम पूरा जो उसका बोन टाइट है उसमें लगा दिए, और इसको पलट करके रख दिए। दोस्तों अगर पलट करके आप नहीं रखेंगे तो बोन टाइट बह करके कॉइल में चला जाएगा और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा 5 मिनट हो गया है, अब ये देखते हैं हमारा बोन टाइट सूख गया है, तो हम निकाल करके देख लेते हैं हमारा कॉइल का कंडीशन क्या है। तो ये देखिए हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट स्पाइडर में चिपक गया है। अब हम इसको वापस जो है सो हम पहले इसका आज रिकॉन किट बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम स्पीकर असेंबल करेंगे। तो रिकॉन किट बनाने के लिए हम पोल के ऊपर वापस स्पाइडर और कॉइल को सेट कर दे रहे हैं, और फिर ये देखिए सेट कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा एक पट्टी थी जो जाम करने के लिए उसको हम लगा दिए हैं। तो ये हमारा कॉइल सेट हो गया, अब इसके ऊपर हम बोन टाइट जो है सो स्पाइडर और कॉइल के बीच में अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत कुछ हर मिनट में सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बेल नोटिफिकेशन आप दबा देंगे तो आपको जो है सो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए बोन टाइट लगा करके हम इसके ऊपर जो है सो पेपर को सेट कर दिए हैं, और उसको गोल गोल घुमा करके बोन टाइट पेपर में अच्छी तरीके से लगा दिए हैं और सेट कर दिए हैं। और इसका जो कॉइल, चूँकि हम खुद बनाए हैं, तो इसमें जो वायर के ऊपर एलिमेंट रहता है उसको हम
लाइटर से जला करके और एक जीरो नंबर के पॉलिश पेपर से उसको साफ कर ले रहे हैं। अब हम इस पर लीड वायर लगाएंगे, तो लीड वायर लगाने के लिए हम स्टैंडर्ड लीड वायर लिए हैं, और तो उसके लिए सबसे पहले हम लीड वायर की जगह पे दो होल कर लेंगे नोकदार स्क्रू ड्राइवर से। और ये देखिए, ये हमारा सिल्वर कलर का स्टैंडर्ड लीड वायर है, तो इसको हम माप करके पहले काट लेते हैं कितना लगेगा। हम टुकड़ा लीड वायर यूज़ नहीं करते हैं, हम पूरा रोल में ही लीड वायर लेकर आते हैं। तो इसको हम माप ले रहे हैं और माप करके हम दो टुकड़े में काट लेंगे दोनों लीड वायर माइनस और प्लस के लिए। फिर इस लीड वायर, ये देखिए, हम दोनों लीड वायर को बराबर मात्रा में लंबाई में काट लिए हैं। अब हम उसको होल में डाल करके जहाँ हमारा स्पीकर टर्मिनल है वहाँ पर ले जा करके हम लीड वायर को छोड़ देंगे और अंदर जो है कॉइल में हम उसको जो है सो लपेटेंगे। तो ये देखिए, हमारा लीड वायर अच्छी तरीके से होल में जा करके टर्मिनल के पास पहुँच गया है। अब जैसा हम हर बार बताते हैं कि कॉइल को आप लपेट करके ही सोल्डिंग कीजिए, हम कॉइल के वायर को लीड वायर में लपेट करके बांध दे रहे हैं माइनस और प्लस दोनों को। तो ये देखिए, हम दोनों लीड वायर को कॉइल से में अच्छी तरीके से लपेट दिए हैं और अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग करने के लिए पहले हम एक वायर को अच्छी तरीके से सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे सोल्डिंग आपको परफेक्ट पिलाना है ताकि वायर और टेंसिल वायर में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। ये देखिए, हमने दूसरे वायर को भी सोल्डिंग कर दिया। सोल्डिंग यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट करना है दोस्तों, और अगर आप लपेट के नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपका कॉइल जब सोल्डर ड्राई होगा तो ओपन होने के चांसेज है और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। अब ये सोल्डिंग हो गया तो एक स्क्रू ड्राइवर से हम इसको कॉइल और पेपर के जड़ के पास दबा दे रहे हैं। अगर आप सोल्डर ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे आपको कड़क थोड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो वो जड़ के पास दबेगा नहीं। तो फिर वापस आप आयरन से उसको दबा दीजिए, सोल्डर पिघल करके अपना शेप ले लेगा और एकदम परफेक्ट वो पेपर और कॉइल के बीच में दब जाएगा। हमने वैसा कर दिया है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हमारा एकदम परफेक्ट चिपक गया है। अब इसको हम बोन टाइट से लॉक कर देंगे। बोन टाइट आपको 5 मिनट वाला में सूखने वाला ही यूज़ करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही बनाना है। हम थोड़ा थोड़ा बोन टाइट बना दे ले रहे हैं और हम देखिए इसको दोनों टर्मिनल वायर को हम जो है लॉक कर दे रहे हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ बोन टाइट है उसे पूरे पेपर को लॉक कर दे रहे हैं। पूरे पेपर को लॉक करने से क्या होगा कि आपका ऊपर से भी पेपर अच्छे से लॉक हो जाएगा और अंदर से भी पेपर अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो चारों साइड से अच्छी तरीके से बोन टाइट हम लगा दिए हैं। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये 5 मिनट में सूख गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट रिकॉन किट देखिए तैयार हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा स्पीकर है तो आप रिकॉन किट बना करके फटाफट स्पीकर बना सकते हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट रिकॉन किट बना है दोस्तों। ये 10 इंच का पेपर जल्दी मिलता नहीं है, हम कारखाने से डायरेक्टली 50 पीस मंगाए हैं, और नहीं तो मार्केट में लोकल पेपर मिलता है वो इस स्पीकर पर मैच नहीं होगा। तो अब चलिए हम स्पीकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम स्पाइडर में चारों साइड बोन टाइट लगा लिए हैं और फटाफट जहाँ पे क्लॉथ रिंग लगेगा वहाँ पे हम स्पेप 7 लगा दे रहे हैं। स्पेप 7 हम 1 लीटर के पैक में लाते हैं, उसको हम ट्यूब में निकाल लेते हैं। स्पेप 7 हमारा अच्छी तरीके से लग गया है। अब हम पोल के ऊपर कॉइल को रख करके गोल गोल घुमा करके जहाँ पे हमारा स्पीकर का टर्मिनल है वहाँ पे हम गोल गोल घुमा करके ले आएंगे, और उस देखिए आ गया है। और उसके बाद हम फटाक से इसके अंदर में पीवीसी का सीट लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पीवीसी सीट लगाने में आपको ज़रा सा भी देर नहीं करना। अगर आप देर करेंगे और बोन टाइट टाइट हो गया तो कॉइल आउटसेट हो जाएगा। बोन टाइट सूखने से पहले ही आपको जो है सो पीवीसी सीट डाल देना है। तो ये देखिए, पीवीसी सीट डाल करके फिर हम क्लॉथ का जो रिंग है उसको हम चारों साइड से दबा करके चिपका ले रहे हैं। ये 5 मिनट में सूख जाएगा दोस्तों, अपना बोन टाइट भी और स्पेप 7 भी। तो इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का इसका रिंग है, इसमें स्पंज का रिंग नहीं है दोस्तों, इसका कंपनी का प्लास्टिक का ही रिंग है। तो प्लास्टिक का रिंग हम चिपकाने के लिए वापस क्लॉथ रिंग के ऊपर हम बोन टाइट लगाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम एक स्पंज की पट्टी से थोड़ा सा फैला देंगे, और उसके ऊपर फिर प्लास्टिक का जो इसका रिंग है वो रिंग बिठा देंगे। तो ये देखिए, हमारा प्लास्टिक का स्पंज का पट्टी है, उसे हम गोल गोल इसको फैला करके इस पेप से वन अच्छी तरीके से फैला दिए हैं। और ये कंपनी का ओरिजिनल रिंग है, जो कि जब लास्ट टाइम जिसी ने निकाला था उसने तोड़ दिया है, तो हम उसी को अच्छे तरीके से होल मैच करते हुए सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी का ओरिजिनल है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और एकदम परफेक्ट है। तो ये देखिए, हम इसको चिपका करके और फिर पलट करके रख दे रहे हैं ताकि वो प्रेस हो जाए और अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो दोस्तों, ये स्पीकर लगभग रेडी हो गया है। तो स्पीकर सीधा करके हम इसका जो अपना प्लास्टिक का जो रिंग है उसको दबा दे रहे हैं, और फिर वापस पलट करके इसके टर्मिनल पे हम इसके वायर को, लीड वायर को सोल्डिंग कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, टर्मिनल पे हमने एकदम परफेक्ट लीड वायर पहले से डाल रखा था, अभी इसको हम थोड़ा सा लूज रख करके सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, आप थोड़ा सा ही आपको लूज रखना है और उसको सोल्डिंग कर देना है। सोल्डिंग आप एकदम परफेक्ट कीजिए ताकि वहाँ से उखड़े नहीं, और चूँकि हमारा लीड वायर जो है वो अच्छा वाला लीड वायर है तो जल्दी टूटेगा नहीं। ये देखिए, हम पॉजिटिव जो इसका पॉइंट था उसको अच्छे से सोल्डिंग कर दिए,
अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी हम सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों ये 10 इंच का लाइट वेट में काफ़ी अच्छा मिड बास स्पीकर है, इसमें मिड का थ्रो काफ़ी अच्छा मिलता है और ये लाइनरी में यूज होता है। जो आप देखे होंगे स्टेज में ऊपर जो स्पीकर लटका करके लगाए होते हैं उसको लाइनरी स्पीकर बोलते हैं, उसमें यूज होता है। बट लाइनरी स्पीकर के साथ साथ ये टू वे और मल्टी वे रिफ्लेक्स इंक्लोजर में भी इसका यूज होता है। ये चूंकि 16 ओम्स का है तो इसमें आप आराम से 4, 5, 6, 7, 8 स्पीकर भी लगा सकते हैं, तब इसका इम्पीडेंस सिर्फ आपको 2 ओम्स का जो इम्पीडेंस है वो मैच करना है। 350 वाट का स्पीकर है, वाटेज और स्पीकर का इम्पीडेंस मैच करके आप अच्छे से मल्टी वे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो गया है, हमारा कनेक्टर दोनों पॉइंट में सोल्डिंग हो गया है। अब हम कॉइल के अंदर जो प्लास्टिक सीट पीवीसी सीट डाले थे उसको निकाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें कैप लगाएंगे। कैप लगाते ही ये स्पीकर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं, 4 या 5 तार ही हमने बाहर रखा है। मिड का जो स्पीकर होगा आप कोशिश कीजिए 2, 3, 4 तार ही बाहर रखने का। चलिए अब इसका माइनस प्लस चेक कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बैटरी से आपको चेक करके दिखाएंगे, ये न्यू। अब पहले हम वायर से दिखाते थे, अब आप छोटी सी बैटरी से 9 वोल्ट बैटरी से भी आप स्पीकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बैटरी पे एक माइनस प्लस लिखा रहता है और यहाँ पे हमारा जो कनेक्टर है वो माइनस प्लस लिखा हुआ। जब हम दोनों में टच करेंगे प्लस में प्लस माइनस में माइनस, तो देखिए स्पीकर हमारा बाहर की तरफ हल्का सा प्रेस होकर आ रहा है, तो मतलब हमारा प्लस सही है और माइनस सही है। अगर ये अंदर की तरफ खींचेगा तो आपका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बट चूंकि हम कॉइल पहले चेक करके डाले थे तो उल्टा होने का सवाल ही नहीं था। या फिर देख सकते हैं जब हम प्लस को प्लस में लगा रहे हैं तो स्पीकर हल्का सा प्रेस होकर के बाहर निकल रहा है। तो चलिए आपको माइनस प्लस भी हम इसमें बतला दिए, अब इसका हम कैप लगाते हैं। तो अब इसमें हम जो है क्लॉथ का कैप लगाएंगे, इसमें हम कागज़ का कैप नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्लॉथ का कैप लगाएंगे। तो ये क्लॉथ का कैप है, इसके ऊपर हम पूरा बोनटाइट लगा लिए हैं और इसको हम एक हाथ के 2 उंगलियों से पकड़ करके सेंटर में छोड़ देंगे, एकदम बीच सेंटर में हम इसको 2 उंगलियों की सहायता से छोड़ देंगे और फिर इसको हम हॉट गन से गर्म कर देंगे, जिससे हमारा जो है बोनटाइट वो अच्छी तरीके से क्लॉथ से कागज़ में चिपक जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक गोल बड़ा रिंग रखेंगे, क्लॉथ का है तो अगर छोटा रिंग रखेंगे तो दब जाएगा, तो बड़ा सा हम जो टेप है उसको रख करके और फिर उसके ऊपर किट रख देंगे, जिससे क्या होगा कि क्लॉथ का रिंग दबेगा नहीं। पेपर का कैप में आप कुछ भी रख सकते हैं बट ये क्लॉथ का रिंग है तो इसको आपको बड़ा रिंग ही दबाना पड़ेगा। ये 5 मिनट में सूख जाएगा दोस्तों, तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 10 इंच का लाइनरी स्पीकर का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा और अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट में बताइएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।